हाय, वेलकम टू रेंडक ऑनलाइन स्टोर। मेरा नाम शिबिन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लेबल प्रिंटर के बारे में। लेबल प्रिंटर मतलब ये जो लेबर्स जो स्टिकर्स वगैरह जो प्रिंट करती है अपना दुकान के लिए, यानी रिटेल शॉप्स और जो भी अपना प्रोडक्ट में चिपकाने के लिए, जो भी लेबर्स वगैरह इसमें बना के चिपकाने के लिए ये प्रिंटर इस्तेमाल करती है। देखो, ये वाला जो लेबर्स है ये इस प्रिंटर में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये जो प्रिंटर जो बनी हुआ है एक प्रिंटर का है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। मैंने खोल के दिखाता हूँ क्या क्या इसका अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आती है, हम दिखा देता हूँ। और पहले जो है इसका अंदर कुछ कैटलॉग आती है और इसके अंदर सीडी भी है और यूजर मैनुअल वगैरह है इसके अंदर, कैसे इस प्रिंटर इस्तेमाल करना है सब कुछ इसमें है। और ये प्रिंटर जैसा खोलेंगे आप, हमको जो केबल्स मिलेंगे, ये जो पावर सप्लाई केबल है 230 वोल्टेज पावर सप्लाई केबल इसमें मिल जाएगा। और इसमें जो यूएसबी केबल मिल जाएगा, जो कंप्यूटर से अपना प्रिंटर को कनेक्शन करने के लिए एक यूएसबी केबल मिल जाएंगे। और ये हमारा प्रिंटर है, एक्चुअली थोड़ा सा वजन है इसको, थोड़ा उठाएंगे हम। ये जो प्रिंटर है इसको मैंने प्लास्टिक कवर निकाल देता हूँ आपको। ये जो प्रिंटर है आप दिखाई देती है, ये जो प्रिंटर इतना साइज का है, इसका अंदर हमने लेबल जो डाल सकते हैं, जो कंटिन्यूस लेबल भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और नॉर्मली जो कट किया वाला लेबर भी है कस्टमाइज्ड जो साइज का। ये जो लेबल का साइज है 50 mm by 50 mm का है, और अपने जो विड्थ जो है इसका जो विड्थ है अप टू 80 mm तक इस प्रिंटर में बना सकता है। तो जो लंबा जो भी कितना भी लंबा कर सकता है, लेकिन विड्थ जो है 80 mm, वो इसका जो विड्थ का सेम सेम है 80 mm का प्रिंटिंग हो सकती है। और ये जो प्रिंटर, ये खोल के पेपर डालने के लिए इधर एक बटन होती है, वो इधर थोड़ा सा ऊपर उठा करके ना दोनों साइड में है, ठीक है ना, दोनों साइड एक साथ उठा करके इसका अंदर पेपर सेट कर सकते हैं, वो मैं बताएंगे कैसे सेट करना है, ठीक है जी। ये प्रिंटर का फ्रंट साइड में हमने क्या क्या बटन में देखेंगे। पहले इधर जो एक फीड बटन है, वो जो स्टिकर पेपर यानी जो भी पेपर इसके अंदर जो रोल पेपर जो भी होती है, ये बटन लॉन्ग प्रेस करने से पेपर ऐसे बाहर फीड होती है, वो मैन्युअली बाहर करने के लिए फीड बटन है। और फेस बटन है, फोर्स बटन है, मतलब जो प्रिंटर कंटिन्यूस बाहर आ रहा है हमको अगर इमिडिएटली स्टॉप करना तो इसमें स्टॉप कर सकते हैं। और दो लाइट इंडिकेटर बटन है इधर, और यहाँ से अपना प्रिंट बाहर निकलती है, स्टिकर बाहर निकलती है। और दूसरे इधर एक ऑन ऑफ स्विच भी है, इधर स्विच ऑन ऑन ऑफ कर सकता है यहाँ प्रिंटर का सामने ही। और इसका बैक साइड में हम देखेंगे क्या क्या है। इसका बैक साइड में आपको एक 230 वोल्ट पावर सप्लाई का पोर्शन मिल जाएंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और दूसरा इधर एक यूएसबी का पोर्शन है, इधर हम यूएसबी कनेक्शन कर सकते हैं, और लैन का भी कनेक्शन इधर है ऑलरेडी, ये लैन भी हमने इस्तेमाल कर सकता है इसमें। और दूसरे हमने खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। इसका बॉडी एकदम फाइन क्लास क्वालिटी का बना हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसका। और इसका अंदर आप देखेंगे इधर जो पेपर डालने के लिए, देखो इस तरीके का एक रोल आप देखेंगे, व्हील और पेपर होल्डर जो भी है। इसमें मैंने अभी फिलहाल कंटिन्यूस पेपर डाल रहा हूँ, कंटिन्यूस रोल पेपर, ठीक है। और दूसरा वाला जो कट किया वाला रोल पेपर भी आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये कट किया वाला है 50 mm by 50 mm का जो रोल होती है वो भी डाल सकता है, और जो कंटिन्यूस लेबल रोल भी डाल सकता है, ठीक है ना, कंटिन्यूस स्टिकर रोल है। और क्योंकि हमारे पास इधर ब्लेड है इसके ऊपर, ये इधर ब्लेड लगा रखा है, आपको ये ब्लेड दिखा देता हूँ, देखो ये ऊपर ब्लेड है एक्चुअली, ये ब्लेड से हमने ऐसे ऊपर खींच के भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पेपर डालने के लिए, ये जो पेपर का जो दो साइड होती है, एक तो स्टिकर का जो क्या बोलते हैं इसको, डिस्पोजेबल साइड होती है, और एक पेपर साइड होती है। पेपर साइड एकदम ऊपर रखना है, और ये जो रोल में लेफ्ट साइड में डालना है हमने जो पेपर, इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो रोल जो होल्डर पेपर होल्डर जो है इसके अंदर ऐसे पेपर रोल डाल देंगे। उसके बाद हमने ये लोकेशन में लोकेट कर देना, और मैक्सिमम इस तरफ जो पुश कर देंगे हम, ठीक है ना, और जो एक्स्ट्रा रोल बाहर है वो ऐसे ऐसे रोल करके अंदर खींच सकता है, और बाद में एकदम सीधी सी बंद कर दो। इतना ही है पेपर सेटिंग एक्चुअली। अगर इन केस आपका पास ये जो कट किया वाला पेपर रोल है, फॉर एग्जांपल 50 by 50 और 60 by 60 जो भी है, उसमें क्या होती है, एक एडवांटेज क्या है, हमने इसका सेंटर सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पोर्शन जो है ना इसका जो सेंटर सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर जो सेंसर्स रहती है
जो सेंसर इधर होती है वो सेंसर अपने आप डिटेक्ट कर लेंगे इसका सेंटर किधर है, किधर कौन सा पोर्शन में किधर स्टिकर पड़ा है, और एक्सैक्टली उधर प्रिंट करेंगे हम। एक्स्ट्रा कोई अलाइनमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसका जो प्रिंट हेड वगैरह एकदम अच्छा क्वालिटी का है, लॉन्ग लाइफ है, अराउंड 3 और 4 3 और 2 4 ईयर्स हमने किसी किसी को दे रखा है इंडिया में। अभी तक कोई कंप्लेन है ही नहीं इस वाला प्रिंटर को। और इसमें इस प्रिंटर में कैसे प्रिंट आएंगे वो भी हमने एक बार प्रिंट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसे सीधी सीधी मेहनत कर सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल के लिए मेरे पास ये वाला पेपर स्टॉक नहीं है, इसलिए मैंने सीधा रोल पेपर डाल देता हूँ, ठीक है। रोल पेपर डाल के मैंने अभी प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। ये जो स्टिकर मैंने ऑलरेडी इधर डिजाइन करके रखा है, ये कैसे डिजाइन करता है मेरा दूसरा ही और एक वीडियो में मैंने उसका डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे इसका पेपर से सेट करेंगे और कैसे टाइप करेंगे और कैसे बार कोड लगा देंगे और कंपनी का जो वेबसाइट का जो क्यूआर कोड कैसे डालेंगे, सब कुछ उस वीडियो में मैंने समझा रखा है। और इस वीडियो में हमें अभी समझाएंगे कैसे प्रिंट करना है। और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये जो सॉफ्टवेयर जो दिख रहा है आपने, ये प्रिंटर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्रिंटर जब भी खरीदेंगे इस ड्राइवर के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर सीडी मिल जाएंगे और यहाँ जाके आपने सीधा प्रिंट कर लेना। तो प्रिंट करने से आपको पूछेंगे कौन सा प्रिंटर है, ओके 365B, कितना कॉपी इधर डाल सकते हैं आपने, एक या दो जितना भी कॉपी इधर डाल सकते हैं और सीधे इधर प्रिंट देंगे हम एक बार प्रिंट क्लिक कर देंगे। मैंने प्रिंट कमांड देने से किस तरीके कितने इसका प्रिंट आएगा हम देखेंगे अभी। अभी मैंने प्रिंट कमांड दे दिया 2 कॉपीज और प्रिंट। अब दिखाई दे रहा है, देखो एक साथ 2 कॉपी आया हुआ है। मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एक कंटिन्यूस स्टिकर पेपर है, कंटिन्यूस स्टिकर पेपर में ऐसा ही हुआ है, एकदम क्लीन परफेक्ट बार कोड सभी सब कुछ आया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपने कट करके लगा सकते हैं, अगर कट किया वाला पेपर है तो आपको खाली खींच के ये जो स्टिकर किधर चिपकाना है उधर चिपका सकते हैं। देखो सिंपली प्रिंट ऑफ देयर से द मेजर ऑटोमेटिकली यू कैन फिक्स इट वेयर एवर यू नीड।